हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक अच्छा टावर स्पीकर परचेस करना चाहते हैं और बजट है 4000 रुपए से कम, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टावर स्पीकर बताने वाला हूं जो कि 4000 रुपए से कम की प्राइस रेंज में आते हैं, अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ में आते हैं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आते हैं, साथ ही एक अच्छे ब्रांड की तरफ से भी आते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको टाइम टाइम पर ऐसे ही बजट कैटेगरी में बेस्ट प्रोडक्ट वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। अब यहां पर दोस्तों, मैं जो आपको टावर स्पीकर बताने वाला हूं उनमें फुल साइज टावर स्पीकर भी है, मिनी ड्यूअल टावर स्पीकर भी है और मिनी सिंगल टावर स्पीकर भी है। यहां पर शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले टावर स्पीकर के बारे में, तो ये आता है ओबेज की तरफ से, ओबेज MT600। ये एक मिनी टावर स्पीकर है और आपको 4000 रुपए से कम की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। यहां पर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो पूरा 8mm MDF वुड पर ये बना हुआ है और इसके अंदर स्पीकर डायमीटर की हम बात करें तो 6.5 इंच का एक सबवूफर यूनिट यहां पर देखने को मिलता है। 3-3 इंच के आपको फुल रेंज सैटेलाइट स्पीकर देखने को मिलते हैं और यहां पर हम इसके टोटल पावर आउटपुट की बात करें तो यह आता है 35W RMS। और यहां पर दोस्तों, ओबेज का ये सिस्टम काफी ज्यादा पॉपुलर है, आपने काफी बार इसके बारे में सुना होगा। यहां पर अगर आपको मेलोडियस और अच्छा साउंड सुनना है, म्यूजिक जैसा कंपोज हुआ है वैसा ही आपको सुनना है, तो ये सिस्टम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर आपको बिल्कुल फ्लैट साउंड सिग्नेचर देखने को मिलता है, यानी कि म्यूजिक जैसा कंपोज किया गया है वैसा का वैसा ही आपको सुनने को मिलता है, कोई फेक बेस फेक ट्रबल वगैरह आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ब्रांड का कहना है कि ये सिस्टम इंडोर यूज के लिए बना हुआ है और 175 स्क्वायर या इससे कम के रूम में अगर आप इसे यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्चुअल साउंड देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों, ओबेज के जितने भी सिस्टम आते हैं उनकी ये खासियत होती है कि वे बहुत ज्यादा लाउड नहीं होते हैं, लेकिन आपको वहां पर बहुत ही सॉफ्ट साउंड देखने को मिलता है। फुल वॉल्यूम पर भी साउंड के अंदर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साउंड देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, USB, SD कार्ड, ऑक्स और इनबिल्ट FM दिया हुआ है और यहाँ पर आपको बेस ट्रेबल और वॉल्यूम कंट्रोल नॉब भी देखने को मिल जाता है। और इसके प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 3999 यानी 4000 रुपए से कम की प्राइस रेंज में आप इसे अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगले और दूसरे सिस्टम के बारे में हम बात करें तो आता है ZOOK की तरफ से, ZOOK Stornetto 60W। और ये सिस्टम दोस्तों ZOOK की तरफ से लॉन्च किया गया, बिल्कुल न्यूली सिस्टम है, अभी लास्ट ईयर नवंबर के अंदर ही इसे लॉन्च किया था, यानी मुश्किल से 1 से 1.5 महीना हुआ है और ये सिस्टम अभी नया नया मार्केट में आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी खासी रेटिंग इसको मिली हुई है और सिस्टम काफी अच्छा है। यहाँ पर ZOOK के सिस्टम की हम बात करें तो ये स्पेशली पार्टी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, आप इन्हें इंडोर आउटडोर दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें तो ये भी वुडन पर बना हुआ है और यहाँ पर हम स्पीकर डायमीटर की बात करें तो 5.25 इंच का एक सबवूफर यूनिट इसके अंदर देखने को मिलता है, 4-4 इंच के दो मिड रेंज स्पीकर देखने को मिलते हैं, साथ ही सामने की तरफ बेस आउट होल दिया गया है। और यहाँ पर इसके साउंड क्वालिटी की बात करो तो हाई वॉल्यूम पर काफी अच्छा साउंड ये जनरेट करता है, साथ ही काफी ज्यादा लाउड भी सिस्टम रहने वाला है, तो अगर आपको पार्टी पर्पस से कोई सिस्टम लेना है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की इसके अंदर हम बात करें तो यहां पर ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट दिया गया है, यानी ब्लूटूथ वर्जन बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके अलावा यहां पर आपको USB और ऑक्स केबल का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, इनबिल्ट FM रेडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ यहां पर बेस कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल नॉब भी स्पीकर के ऊपर देखने को मिल जाती है और डिजाइन वाइज भी काफी अच्छा सिस्टम है। इसके प्राइसिंग की हम बात करें तो इसे भी आप 3999 रुपए में अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगले और तीसरे सिस्टम के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आपको डुअल टावर स्पीकर चाहिए, डुअल मिनी टावर स्पीकर की मैं बात करूं तो यहां पर ओबेज की तरफ से आता है ओबेज DT21। काफी पॉपुलर सिस्टम है, छोटे छोटे से मिनी डुअल टावर स्पीकर है, दो टावर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें तो दोनों MDF वुड पर बने हुए हैं, दोनों में आपको एक एक सबवूफर देखने को मिलता है जिसके साइज है 4 इंच और 3-3 इंच के यहां पर आपको एक एक सैटेलाइट स्पीकर देखने को मिलते हैं। और टोटल पावर आउटपुट की मैं बात करूं तो 25W इच पावर आउटपुट, यानी कि लगभग 50W RMS के आसपास पावर आउटपुट के साथ में ये आता है। यहां पर ब्रांड का कहना है कि ये टोटली इनडोर यूज के लिए है, 150 स्क्वायर फीट या उससे छोटे रूम के अंदर आप इसे यूज करते हैं तो एक्चुअल साउंड आपको यहां पर देखने को मिलता है और वाकई में सिस्टम का साउंड काफी अच्छा है। साथ ही अगर आप इसे टीवी के साथ यूज करते हैं तो टीवी के वॉल्यूम को ये काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है और टीवी के साथ में आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा बेटर बना देता है। और दोनों ऊपर के अंदर साइड फायरिंग सब ऊपर दिए गए हैं तो बेस का जो रिफ्लेक्ट बनता है वो काफी अच्छा यहां पर बनता है।
कनेक्टिविटी ऑप्शंस की हम बात करें तो सारे ही कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, एसडी कार्ड, ऑक्स, इनबिल्ट एफएम देखने को मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट भी दिया हुआ है, बेस टेबल और कंट्रोल नोब देखने को मिल जाते हैं। और प्राइसिंग की हम बात करें तो 3,999 रुपए की प्राइसिंग में आप इसे भी अमेजन से परचेस कर सकते हैं। अगले और छोटे सिस्टम की बात करें तो यह आता है दोस्तों एक फुल साइज टावर स्पीकर अकाई की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है अकाई HATS50। और ये भी दोस्तों एक सिंगल टावर स्पीकर है, फुल साइज टावर स्पीकर है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें तो ये बना हुआ है हाई डेंसिटी फाइबर वुडन से, यानी फाइबर और वुडन के मिक्सचर से ये बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो बिल्ड मटेरियल है वो थोड़ा सा अलग टाइप का देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी काफी हैवी कैबिनेट यहाँ पर देखने को मिलता है। सब ऊफर यूनिट की बात करें तो 5.25 इंच का सब ऊफर यूनिट यहाँ पर देखने को मिलता है और 4-4 इंच के दो मिड रेंज स्पीकर देखने को मिलते हैं। और टोटल पावर आउटपुट की हम बात करें तो 50 वॉट आरएमएस का पावर आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस सिस्टम को आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंडोर पार्टी करनी है, आउटडोर पार्टी करनी है, घर में छोटा मोटा फंक्शन है तो उसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर आप इसके अंदर वायर्ड माइक को भी यूज कर सकते हैं, पीछे आपको माइक इन पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो आपको माइक पे कोई अनाउंसमेंट करनी है, जैसे कि घर में छोटे मोटे प्रोग्राम में होती है, तो उसके लिए भी ये सिस्टम काफी अच्छा है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको यूएसबी, ऑक्स और माइक का पोर्ट देखने को मिल जाता है और स्पीकर के ऊपर ही आपको वॉल्यूम और बेस कंट्रोल नोब भी देखने को मिल जाते हैं और डिजाइन भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके प्राइसिंग की हम बात करें तो इसकी प्राइसिंग भी 3,990 रुपए के आसपास रहती है। तो इस प्राइस में आप इसे भी अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। पांचवी स्पीकर की बात करूं तो ये आता है ज़ूक की तरफ से, ज़ूक ग्लेडिएटर 55 वॉट। और यहाँ पर दोस्तों ये पूरा सेम का सेम जो अकाई का सिस्टम है उसके जैसा ही आपको डिजाइन में देखने को मिलता है। सब वूफर और स्पीकर डायमीटर भी वही है, लेकिन इसका जो पावर आउटपुट ये 55 वॉट आरएमएस तक जाता है, यानी कि सब वूफर को यहाँ पर जो पावर है वो थोड़ी सी ज्यादा दी गई है। यहाँ पर लगभग आपको 30 वॉट का सब वूफर देखने को मिलता है और ये भी दोस्तों इंडोर आउटडोर पार्टी के हिसाब से काफी अच्छा सिस्टम है, सेम प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थे दोस्तों वो पांच सिस्टम जो कि आपको 4,000 रुपए के आसपास की प्राइसिंग में देखने को मिलते हैं और काफी अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ में आते हैं। सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अगर आप इस प्राइस रेंज में अच्छा होम थिएटर परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इस प्राइस रेंज में आने वाले अच्छे आपको होम थिएटर सिस्टम बताए हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।